मेरठ में वैलेंटिस कैंसर अस्पताल द्वारा समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन पर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मवाना रोड स्थित वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित जैन द्वारा एक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था। इस विज्ञापन में जहां मुस्लिम धर्म के लोगों को कोरोना की जांच के बाद ही हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने की बात लिखी गई थी, वहीं हिंदू विशेषकर जैन समाज के लोगों को कंजूस बताते हुए उनसे अधिक से अधिक मात्रा में कोरोना फंड के लिए दान देने की अपील की गई थी। इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के बाद शहर के स्थानीय लोगों में जबरदस्त रोष था, जिसके चलते अगले ही दिन हॉस्पिटल संचालक द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापन का खंडन और माफीनामा प्रकाशित कराया गया। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अमित जैन ने इसे मानवीय भूल बताते हुए माफी मांगी है। उनका कहना है कि विज्ञापन का उद्देश्य किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप सब जानते हैं कि हमारा देश इस समय बहुत बड़ी आपदा से, महामारी से जूझ रहा है। देश का पूरा विश्व लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इस समय इस अप्रत्याशित महामारी के समय, संकट के समय भी हमारे कई मुस्लिम भाई बहनों को गुमराह किया जा रहा है। उनको यह गलतफहमी उनको बताई जा रही है कि भाई कोई भी आपकी जांच करने आए तो भी आप उनको सहयोग ना करो, जबकि हमारे मुस्लिम भाई बहन सब बढ़िया हैं, सब लोग हमेशा से सहयोग करते आए हैं, मगर अब उनमें कुछ गलतफहमियां उनमें प्रकाश प्रसारित की जा रही हैं और कि भाई आप कोई भी प्रशासन की हेल्प टीम आए आप उनके पत्थरबाजी कर दी जाए। हमारा संदेश यह था कि भी आप ऐसा ना करें, इससे हमारे खुद मुस्लिम भाई बहनों को ये संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता रहा। हमारी सिर्फ यह अपील थी और कई उसमें से कुछ लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि भी आप जो है हॉस्पिटल्स में आके भी आप सहयोग ना करो। तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं अभी हमारे जिनका इलाज चल रहा है, अभी मुस्लिम के भाई बहन हैं जिनका हम इलाज करते हैं, हज़ारों से ऊपर हमारे मुस्लिम भाई बहन जो कैंसर से ठीक हो चुके हैं जो हमने इलाज किया है ना। तो हमारे यहाँ कभी ये भेदभाव नहीं रहता है, मगर कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से इसको सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर यह प्रसारित कर दिया कि हम मुस्लिम भाई बहनों का इलाज नहीं कर रहे हैं। मैंने एक हेडलाइन पढ़ी, उसमें ये लिखा है कि मेरठ हॉस्पिटल रिफ्यूज टू ट्रीट मुस्लिम पेशेंट। ये सरकार गलत है, ये एक षड्यंत्र है और ये हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए और उसके लिए कुछ लोगों का और अपने एक निजी एजेंडा को चलाने की लोगों की साजिश है, जिसके लिए हम जो है हम FIR भी करेंगे और हम ऐसे लोगों को कोर्ट में भी जाएंगे कि जो हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया पे गलत जो फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा चलाने का लोगों ने धंधा बना रखा है, हम उसके खिलाफ सख्ती से हम एक्शन लेंगे। इस मामले में अस्पताल संचालक पर इंचौली थाने में केस दर्ज किया गया। SSP अजय साहनी ने बताया कि आपत्तिजनक विज्ञापन प्रकाशित कराने के मामले में साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है। ये वैलेंटिस हॉस्पिटल है, वहाँ के द्वारा कुछ चीज़ें प्रकाशित कराई गई थी जिसमें कुछ लोगों पर टिप्पणी थी, जिसमें उस संबंधित वर्ग और धर्म के लोग जो हैं उन पर कुछ टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश था। उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एविडेंस के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने तो मामले में स्पष्टीकरण देकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अखबार में दिए गए विज्ञापन के आधार पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।